जी, संपादक नवभारत टाइम्स मोहम्मद नदीम जी, संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया श्री प्रवीण कुमार जी, संपादक इंडियन एक्सप्रेस श्री भूपेंद्र जी, संपादक नवभारत टाइम्स मोहम्मद नदीम जी, संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया श्री प्रवीण कुमार जी, संपादक इंडियन एक्सप्रेस श्री भूपेन्द्र पांडे जी, संपादक दैनिक जागरण श्री आशुतोष शुक्ला जी, संपादक हिंदुस्तान टाइम्स मैडम सुनीता एरन जी, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सूचना के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, सूचना निदेशक श्री सुशील सिंह जी, आज के इस सहायता राशि वितरण कार्यक्रम उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, उनके परिवारजन एवं साथियों, आज हमारे देश के दो महान विभूतियों, दोनों भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो एक बहुत महान हस्ती, महान व्यक्तित्व के धनी थे और देश को इतना सब कुछ दिया, आज दोनों का जन्मदिन है। आज दोनों को, इन दोनों श्रद्धेय महान भाव के इस पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज का कार्यक्रम जो कोविड का संक्रमण काल पीछे दो साल का रहा, जिसने पूरे दुनिया को एक प्रकार से तहस नहस कर दिया, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश में इसको हैंडल किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जबकि लोग तमाम सारे दुनिया के देश, बड़ी बड़ी दुनिया के तमाम सारे लोग इस प्रकार की ऐसी भविष्यवाणियां कर रहे थे, ऐसे संकेत दे रहे थे कि यहां पे काफी नुकसान होगा, उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश हुआ, जैसे हिंदुस्तान में कार्य हुआ और उससे भी कहीं एक बेहतर स्तर का कार्य हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। इतनी बड़ी आबादी, 24 करोड़ की आबादी, इतने सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग जो वापस लौटे, इतने सारी चुनौतियां, और उसके बावजूद अगर आप देखें तो 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 24,000 लोगों की भी जान नहीं गई, जो कि 0.01% से भी कम होता है। ये इतना बड़ा इस प्रकार का प्रबंध था। इस दौरान जो हमारे डेमोक्रेसी का जो चौथा खंभा होता है, फोर्थ पिलर, उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निर्वहन की, कैसे लोगों तक, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की अपेक्षाएं की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षाएं की, जिस प्रकार से इस चुनौती को, कैसे इसको संभाला जाए, उसके बारे में जो कार्य किया, एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट समाज के हर वर्ग ने और इस चौथे खंबे ने भी बहुत बड़ा इसमें योगदान दिया। लेकिन उस चुनौती के बाद तमाम सारे हमारे साथी जो समय से पहले इस कोविड के दौरान हम सबको छोड़कर चले गए। मैं देख रहा था कि इनका प्रतिशत, मैंने सूचना निदेशक से पूछा कि कुल कितने हमारे मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, तो पता चला कि लगभग 5,000 के आसपास है प्रदेश में, और उसमें 130 लोगों ने अपनी जान गंवाई, यानी लोगों ने जान पर खेल करके सही खबर, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी की ताकत, डेमोक्रेसी की शक्ति मिलती है इस चौथे खंभे के माध्यम से। अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 2% लोगों की जान गई, अगर उसमें देखें कि 5,000 लोगों में लगभग 103 लोगों की, यानी 2% के आसपास जान गई, जबकि हमारे प्रदेश का यह प्रतिशत 0.01% है, यानी इतना बड़ा एक्सपोजर था। इस काम के लिए जो हमारे लोग गए, वो तो अपने जान पर खेल करके, लोगों को सही सूचना दे करके वो तो चले गए। आज उनको, उनके परिजनों को एक सहायता राशि के माध्यम से, और वो भी आज उस विशेष दिन, जिस दिन हमारे देश के एक महान व्यक्तित्व,
जो कि कवि भी थे, लेखक भी थे, राजनेता भी थे, एक नए प्रणेता, एक नई सोच देने वाले, देश को एक राजनीति में एक नई दिशा देने वाले, और सबसे बड़े एक पत्रकार भी थे। उन्होंने पत्रकारिता की संपादन किया। उनके जन्मदिन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन तमाम सारे परिजनों को आज 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। मैं उन सारे लोगों को, उनकी जान तो वापस नहीं आ सकती, बल्कि हम सब आप सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान दी। उनके जो परिवार के लोग हैं उनके भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मैं एक बार दोबारा आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं कि आज उनके द्वारा इन तमाम लारे लोगों को याद करके इस अच्छे दिन पे, सुशासन दिवस के अवसर पे उनको ये सहायता प्रदान की जाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि माननीयवर अपने कर कमलों द्वारा COVID-19 से प्रभावित पत्रकारों के परिजनों को सहायता राशि प्रदान करें, उन्हें आशीर्वाद दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रीमती मनीषा स्वामी कपूर, श्रीमती गीता प्रजापति, श्रीमती प्रेमा दीक्षित, श्रीमती गौरव प्रधान, श्रीमती प्रेमा दीक्षित जी, श्रीमती प्रेमा दीक्षित, श्रीमती, इसके बाद श्रीमती रीना पांडे जी, तत्पश्चात श्री गौरव प्रधान जी, गौरव प्रधान जी के बाद श्रीमती सावित्री देवी जी, श्रीमती बिट्टन देवी जी, श्रीमती बिट्टन देवी जी, श्रीमती रंजना, श्रीमती रंजना जी, श्रीमती पूनम देवी जी, श्रीमती संगीता सिंह जी, श्रीमती जेबा मेहंदी जी, श्रीमती जुबैदा खातून जी, श्रीमती सुनीता निगम जी, श्रीमती सरोज गर्ग जी, श्रीमती राधिका देवी जी, श्रीमती शीला जी,
श्रीमती सरोज पांडे जी, श्रीमती सुमन शुक्ला जी, श्रीमती सुमन शुक्ला जी, श्रीमती अनुपम, सुधा अग्रवाल जी, सुमन शुक्ला जी, अनुपम जी, अनुपम जी, सुधा अग्रवाल जी, शशि बालाजी, श्रीमती रूमा कुमारी जी, श्रीमती इंदु सिंह जी, श्रीमती बरनाली चंद्रा श्रीवास्तव जी, श्रीमती उरूस कमर जी, श्रीमती कौशल तायल जी, श्रीमती कंचन लता जायसवाल जी, श्रीमती विपिन मिश्रा जी, श्रीमती विपिन मिश्रा जी, श्रीमती प्रियंका जी, श्रीमती प्रियंका जी, श्रीमती सुनीता पांडे जी, श्रीमती पिंकी त्यागी जी, श्री प्रशांत सिंघल जी, श्रीमती गरिमा सक्सेना जी, श्रीमती मिथिलेश देवी जी, गरिमा सक्सेना जी, श्रीमती सुनीता भारद्वाज जी, श्रीमती मीना जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती शांति त्रिपाठी, श्रीमती शांति त्रिपाठी जी, सुश्री निवेदिता शर्मा जी, श्रीमती रश्मि जी, निवेदिता शर्मा जी, श्रीमती रश्मि जी, श्रीमती अंजिता जी, श्रीमती नुजहत खान जी, श्रीमती सुशीला तिवारी जी, श्रीमती शकीला सिद्दीकी जी,
श्रीमती शीला देवी जी, श्रीमती परजाना जी, श्रीमती परजाना जी, मोहम्मद सात वारसी जी, मोहम्मद सात वारसी जी, श्रीमती माधुरी वर्मा जी, श्रीमती आशा जायसवाल जी, श्रीमती त्रिवेणी देवी, श्रीमती लक्ष्मी देवी, समस्त महानुभावों से अनुरोध है कृपया उनका स्थान ग्रहण करें। सभी लोग जो फोटो होगा आगे चलते हैं तो तैयार रहिए आप लोग, जहाँ भाषण तो धीरे धीरे आ जाइए। जैसा कि हाल फिलहाल के दिनों में हम सभी देख रहे हैं कि फिर से एक बार कोरोना महामारी दस्तक दे रही है, और ऐसी स्थिति में जब एक बार फिर से उसकी वो हमारी स्मृतियां ताजा करती है कि इसकी प्रथम लहर और द्वितीय लहर के दौरान इसके दोनों प्रहारों में हमने अपने कितने लोगों को खोया, अपने पत्रकार बंधुओं को खोया। दैवीय आपदाओं और महामारियों को कोई रोक नहीं सकता है, परंतु उस समय हम उनके साथ खड़े होकर उन्हें संबल अवश्य प्रदान कर सकते हैं। और यह कार्यक्रम यह बताता है कि किस प्रकार से हमारे परम पूज्य महाराज जी, जो एक सख्त प्रशासक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वह अपने लोगों के साथ, अपने नागरिकों के साथ पूरे उनको संबल प्रदान करते हुए उनके साथ खड़े हैं। और यही कारण है, इसी निमित्त आज इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अब मैं परम पूज्य महाराज जी से अनुरोध करूंगा वे आए और अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। दिवंगत हुए पत्रकारों के परिजनों की सहायता के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में मीडिया जगत से जुड़े हुए हमारे संपादकगण, दैनिक जागरण से सम्मान्य श्री आशुतोष शुक्ला जी, अमर उजाला से सम्मान्य श्री विजय त्रिपाठी जी, नवभारत टाइम्स से सम्मान्य श्री मोहम्मद नदीम जी, टाइम्स ऑफ इंडिया से सम्मान्य श्री प्रवीण कुमार जी, हिंदुस्तान टाइम्स से सम्मान्य श्रीमती सुनीता आर्यन जी, इंडियन एक्सप्रेस से सम्मान्य श्री भूपेंद्र पांडे जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने पूरे जीवन की साधना को पत्रकारिता के लिए समर्पित किया है, ऐसे श्री के विक्रम राव जी, सम्मान्य श्री रामेश्वर पांडे जी,
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया जगत से जुड़े हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण और दिवंगत पत्रकारों के उनके सभी परिजन, सूचना विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन यहां पर हम सब के लिए एक भावुक क्षण है और वह उन सभी मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने का क्षण है जो वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के अंदर स्पंदित होती है। पूरी दुनिया पिछले 3 वर्षों से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी की चपेट में रही है। इस दौरान दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। इस महामारी की दुनिया के कहीं पर 5वीं लहर, कहीं 4थी लहर, कहीं 3री लहर आ चुकी है और फिर से इसकी आहट सुनाई दे रही है। इस महामारी के दौरान पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपने देश के अंदर जिस प्रकार के अलग अलग लहर के दौरान या उससे पूर्व जिस प्रकार की निर्णायक तैयारियां की और इस महामारी से बचाव के जिस प्रकार के उपाय किए, वे हम सबके सामने हैं और भारत के कोरोना प्रबंधन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, यूएनओ ने, दुनिया के उन तमाम विकसित देशों ने स्वीकार किया है जिनके पास स्वास्थ्य की दुनिया में प्रसिद्ध संस्थान थे, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौरान वे सब हतप्रत थे, इस महामारी के सामने पस्त थे। लेकिन टीम वर्क और राष्ट्रीय अनुशासन कैसे होता है, जहां भी यह अनुशासन देखने को मिला वहां कोरोना जैसी महामारी पर काफी हद तक नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई और भारत की 140 करोड़ की आबादी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस राष्ट्रीय अनुशासन का परिचय दिया और परिणाम था कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीते हुए कार्य करते हुए पूरे देश ने एक टीम वर्क के रूप में इस महामारी को भी सामना करने की ठानी थी और जो भी मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी के यहां से मिला उन सभी के अनुसार उनके नेतृत्व में पूरा देश उससे जूझता हुआ दिखाई दिया और हम लोगों ने देखा है भारत का मीडिया स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन कोरोना कालखंड के अंदर अनुशासन उनके मन में भी दिखा और उन्होंने उस अनुशासन के साथ लोगों को जोड़ने और उस जागरूकता के प्रचार प्रसार में जो योगदान दिया, मैं स्वयं उन दृश्यों को देख करके कभी कभी, क्योंकि कोरोना की आहट के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के साथ बहुत एक्टिव रूप से मैं जुड़ा रहा, लेकिन जो विजुअल्स आते थे, जो दृश्य देखे जाते थे, मैं देखता था पत्रकार बंधु उस समय भी जाकर के जब लॉकडाउन के बाद तमाम प्रवासी कामगार और श्रमिक आए उनकी रिपोर्टिंग को करने, अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, जागरूकता के साथ लोगों को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने और साथ साथ शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन पत्रकार बंधु ने इस दौरान निर्विवाद रूप से प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी किया। जहां अच्छा काम हुआ उसको उस रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया, जहां पर लापरवाही थी शासन प्रशासन का ध्यान उधर भी आकर्षित किया और इस दौरान जैसे मानव हानि जनहानि हर जगह हो रही थी उसी प्रकार से मीडिया जगत भी उससे अछूता नहीं रहा। हमारे प्रदेश के अंदर जो मान्यता प्राप्त हमारे पत्रकार बंधु थे उनमें से 103 इस कोरोना महामारी की चपेट में आए। यद्यपि वैक्सीन आने के साथ ही हम लोगों ने व्यवस्था की कि पत्रकारों के लिए अलग से कैंप लगे और हम लोगों ने उनके लिए बूथ बनवाए थे,
और जो पहली वैक्सीन लगाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई वह किसी राजनेता को नहीं, किसी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं, बल्कि हेल्थ वर्कर्स के बाद हम लोगों ने जिनको प्राथमिकता दी उनमें हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में पत्रकारों को भी इसमें प्राथमिकता दी कि उन्हें भी ये वैक्सीन दी जानी चाहिए। लेकिन उस सब के बावजूद हमारे बहुत सारे बंधुगण इसकी चपेट में आए, 103 को अपनी जान गंवानी पड़ी और उस दौरान हम सबके सामने आया किस केंद्र और राज्य सरकार ने हर एक तबके के लिए कुछ ना कुछ किया है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो हमारे लोकतंत्र का एक स्तंभ है, वह अपने सीमित साधनों से अपनी जान की परवाह के बगैर शासन प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित कर रहा है, एक प्रकार की जनसेवा का कार्य कर रहा है, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन उसके लिए कहीं भी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं, उन्हें कहीं भी कोई सुविधा नहीं। तो उस समय पहले बूथ लगाए गए, उसके बाद उपचार आदि के लिए स्पेशल व्यवस्था भी करवाई गई, तमाम अन्य साधन उपलब्ध करवाने के साथ ही बाद में महसूस हुआ कि नहीं, बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिनके पास वो अकेले सहारा थे और उन परिवारों को सहायता दी जानी चाहिए। और तब हम लोगों ने प्रदेश सरकार में उस समय एक निर्णय लिया था कि प्रदेश सरकार उन परिवारों को अपनी ओर से 10-10 लाख रुपए की सहायता देगी। विगत वर्ष हम लोगों ने 50 ऐसे परिवारों को यह सहायता राशि उपलब्ध कराई, आज 51 अन्य परिवारों को यह राशि यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। यह एक छोटी राशि है लेकिन एक संबल है शासन की ओर से उनके साथ में कि सरकार इस संकट के दौर में आप अकेले नहीं हैं, आप मीडिया ही केवल आपके साथ, मीडिया परिवार तो आपके साथ है ही, लेकिन मीडिया परिवार के साथ साथ सरकार भी उसी रूप में आपके साथ में है, हम एक परिवार के हिस्से हैं और एक परिवार के रूप में भले ही कार्य क्षेत्र अलग अलग हो लेकिन लक्ष्य तो सबका एक ही है, लोक मंगल की कामना करना, राष्ट्र कल्याण की कामना करना। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं और उस रास्ते अलग अलग होने के बावजूद भी हम लोग उन कार्यक्रमों के साथ जिस रूप में जुड़े हुए हैं वह अब उस अभियान का हिस्सा है और उस अभियान को हम आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर एकत्र हुए हैं कि जहां पर उन 51 परिवारों को यह राशि उपलब्ध कराई गई है, दो परिवार उनके जो आश्रित थे उन दिवंगत हुए हैं, मैंने सूचना विभाग से कहा है कि उनके परिवार में जो भी बचा है, उनके बच्चे होंगे, उनके भी परिवार में कोई होगा तो उन परिवारों को ही वह राशि अवश्य उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी जरूर हो जाए। इसके साथ ही मैं दिवंगत पत्रकारों के परिवारजनों को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि जिनके बच्चे छोटे होंगे, निराश्रित हैं, उन्हें अन्य शासन की योजनाओं के साथ भी जोड़ने की कार्रवाई के साथ हम आगे बढ़ेंगे। खासतौर पर निराश्रित महिला पेंशन की कार्रवाई जहां पर दी जानी है, इस कार्रवाई को सूचना विभाग ही अपने स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य करें। जो बच्चे स्कूल कॉलेजेज में पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 4000 रुपए की मासिक जो उनको राशि उपलब्ध करवाई जा रही है उस योजना के साथ उन्हें आच्छादित करने का कार्य हो, या फिर पीएम निधि के साथ में जोड़ने के लिए भी एक कार्रवाई कि बच्चे 23 साल के हो जाएं तो उसके बाद वे आर्थिक रूप से स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो सके, वहां जोड़ने की कार्रवाई उनके साथ हो जाए। तो वास्तव में केवल वह अपने को अलग थलग महसूस नहीं करेगा, वह भी अपने को मानेगा कि मैं भी इस व्यवस्था का पार्ट हूं और उस व्यवस्था के अंग के रूप में वह भी मजबूती के साथ अपने आप को जोड़ पाएगा। और यह संकट का दौर था, संकट के इस दौर में यह लड़ाई आपकी अकेले नहीं, हमारे लक्ष्य पर पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य समान है और उस समान उद्देश्य के लिए हम समान रूप से उस संकट के दौर में आपके साथ सहभागी बनकर के पूरे रूप से संवेदनशील तरीके से अपनी पूरी संवेदना को आपके साथ व्यक्त करने के लिए आज यहां पर एकत्र हुए हैं। आज का दिन इसलिए भी चयन किया गया है, आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती है और अटल जी के बारे में हम सब जानते हैं, वे देश के लोकप्रिय नेता थे,
यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक स्थिरता और भारत को एक बड़ी ताकत के रूप में आगे बढ़ाने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था और उसमें काफी सफलता भी प्राप्त हुई। ग्रामीण विकास का मॉडल हो या भारत के बुनियादी ढांचे के विकास का मॉडल, ये सर्वदा अटल जी ने अपने कार्यकाल के दौरान देश को दिया। लेकिन इस सबसे बढ़ करके उनके मन में एक पत्रकार सदैव बसता था। अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन का उनके पास अनुभव था और मीडिया से उनके संवाद और उनके संबंध भी उतने ही मधुर थे, और इसलिए आज सदैव अटल जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने और अटल जी की स्मृतियों को ताजा करने के लिए अपने उन सभी पत्रकार बंधुओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने की उद्देश्य से ही आज यह कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। मैं इस अवसर पर उन सभी पत्रकारों के परिवारजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार उनके साथ में है और उनको हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी। दूसरा, हम लोगों ने इस व्यवस्था में एक और भी जोड़ा है, अनेक स्कीम निकलती है। हमारा वो मॉडल अगर गोरखपुर में सफल हो जाता है, हमने कहा भी पत्रकारों को भी आवासीय सुविधा सस्ते में, उनको अच्छी आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके जिससे आवास के लिए उन्हें इधर उधर भटकना न पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए, और वह मान्यता प्राप्त पत्रकारों का, बल्कि मुझे लगता है कि सभी संपादकों की एक टीम बनाकर के वही इस चीज को सुनिश्चित करें कि उसमें कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं और उसमें सही लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो जाए। इस दृष्टि से वह मॉडल सफल होता है तो हम हर महानगर के अंदर इस योजना को लागू करना चाहते हैं, जिससे हर वह पत्रकार जो वास्तव में लोकतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, जूझता है, सर्दी गर्मी बरसात बीमारी या कुछ भी होता है, दिन रात की परवाह के बगैर लगातार रिपोर्टिंग करता है, सही जानकारी देता है, वास्तविक तथ्यों से शासन प्रशासन को अवगत कराता है, उनको भी एक आश्रय की व्यवस्था की जा सके, इस पर हम लोग कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कार्यक्रम चल रहा है, अगर वह मॉडल सफल होता है तो मेरा मानना है कि इसको हर नगर महानगर के अंदर हम लोग लागू करने में सफल हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं सूचना विभाग को इस कार्यक्रम को सरदेव अटल जी की स्मृति में यहां पर आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। सरदेव अटल जी को और अपने उन सभी दिवंगत साथियों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में अपने आप को अपने परिवार से बिछड़े हैं, आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है लेकिन उनकी स्मृतियां उनकी लेखनी के माध्यम से सदैव हमें स्पंदित करती हैं। मैं उन सब के प्रति आज यहां पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार सदैव उनके साथ खड़ी होकर के उनके हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखेगी। आप सबको इस कार्यक्रम में आने के लिए, खासतौर पर अपने यहाँ के सभी जितने भी हमारे संपादक गण हैं, माननीय संपादक गण हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अन्य मीडिया हमारे प्रवक्ता गण हैं, सभी उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने का आशीर्वचन हम सबके लिए बहुत बड़ा संबल है और निश्चित तौर पर हमारे जो पत्रकार बंधुओं के जो परिजन हैं